क्या हुआ पूछे तो नहीं बताया हमको, नहीं बताया। कभी कभी रहता था पर कुछ कुछ बता देता था, पर इस बार कुछ नहीं बताया। अरे हुआ, बचने का कोशिश भी किया, उसके बावजूद भी जो है कि इसको धक्का मार दिया गया, और धक्का मारने के परिणाम स्वरूप एक भी पगड़ी में खून नहीं है, सिर्फ सिर में चोट है। एग्जाम लिख के आया ना, हिंदी का एग्जाम अभी चल रहा है, इंटर का हिंदी का एग्जाम लिख के आया रात को, उधर से काम गया, काम से आया रात को 8 बजे 8-9 बजे आया, शाम से बैठा, हमने कहा हुआ परीक्षा अच्छा गया तो हाँ अच्छा गया तो कहा हुआ, बोरा मेरा से बात नहीं करो हम बहुत टेंशन में, हम बोले कहा हुआ तो नहीं बताया हमको, जरूर कुछ बात था, नहीं तो जरूर बताता है, कुछ बात था, पूरा टेंशन में बैठा था, पूरा मुँह सब सूखल था, कहा हुआ पूछे तो नहीं बताया हमको, नहीं बताया। कभी कभी रहता था पर कुछ कुछ बता देता था, पर इस बार कुछ नहीं बताया। अच्छा लग रहा है कि वो आंदोलन वगैरह में जाता था उसके? हाँ, और अभी अगले महीना कुछ करना भी चाहता था, ऐसा करेंगे, ऐसा मेरा बच्चा को ऐसा पढ़ाएंगे, ऐसा लिखाएंगे बोलता था, हम नेता में उठेंगे, मेरे बच्चा को ऐसा बनाएंगे, मेरे पत्नी को ऐसा बनाएंगे, ऐसा कराएंगे बोलता था। कहीं गया था काम से, आया उसको काम में फोन किया छुट्टी समय, और वहाँ चल गया, और वहाँ पे पता नहीं कुछ हो रहा होगा, टाटी सिल्वे तरफ उधर का आर्मी कैंप में काम करता था। रात को 10 बजे 9-10 बजे हम कॉल किए, हम उसका आसरा देखे नहीं किया, हम फोन करके पूछे तुम कहाँ है बताओ ना, तो बोल रहा रखो ना हम आ रहे हैं, हम यहाँ पे है टाटी सिल्वे में, हम फोन किए रखो हम आ रहे हैं। उसका बाद हम और उसको कॉल किए, उसका बाद वो फोन नहीं उठाया, उस समय वो निकल गया होगा मेरा आवाज सुन के, मेरा हम फोन जहाँ अगर रात को कर देते हैं ज्यादा फोन तो मेरा फोन देख के तुरंत घर आ जाता है, वही से मैं निकल गया होगा घर आने के लिए, फिर दोबारा फोन किए तो नहीं उठाने सका। अब आप लोग क्या चाहती हैं? उसको इंसाफ चाहिए सर, उसको इंसाफ चाहिए, मेरा बच्चा कैसे पढ़े पढ़ाएंगे लिखाएंगे उसको कैसे रखेंगे? कितने बच्चे हैं? एक ही है। कितने साल का? 6 साल का, अभी तो 2 तारीख को भी इसका बर्थडे था फरवरी में, सब चीज ला दिया। आंदोलन वगैरह तो हमेशा वो बहुत रहता था, उस समय बहुत रहता था आंदोलन का, जयराम के साथ भी बहुत रहता था, बहुत ज्यादा उसका तो बहुत तारीफ करता था, बहुत तारीफ करता था जयराम का, बहुत अच्छा है ऐसा ऐसा करके बोलता था, वो ये बनना चाहता है मुख्यमंत्री या कुछ चीज बनना चाहता है, हम ये बनना चाहते हैं, अगले महीना वो खड़ा होने वाला था चुनाव में, इसको कर दिया ऐसा, हम कैसे रहेंगे अपने बच्चों को लेके, कैसे रहेंगे कैसे रखेंगे हम इसको, हम रात को उसका आसरा देके पढ़ने आए हैं, रात भर हम उसका आसरा देके पढ़ने आए हैं, हमको छोड़ के चल गया। कैसे जानकारी मिली, क्या कुछ हुआ? फोन किया कोई, फिर इसका फुआ लोग हमको आके बताई, हम लोग अब फोन किया तो हमको आके बताया, तो सिर्फ बोल रहा है होश में नहीं था, पर वही समय वैसा हो गया था, वही समय वो मतलब पूरा खत्म हो चुका था, पर हम लोग को पता था कि होश में नहीं है, रात को ऐसा सुबह भी पूछ रहे तो बोल रहा उसका होते नहीं है, फिर हम मंदिर चल गए पूजा उजा करने के लिए, फिर मंदिर में फोन आया कि ऐसा हो गया। संघर्ष समिति का केंद्रीय सचिव और सक्रिय आंदोलनकारी जो भाषा खतियान चाहे नियोजन स्थानीय नीति 60-40 न चल तो से लेकर CGL आंदोलन हर चीज में सक्रिय रूप से बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेता था, और उसका कल एक साजिश के तहत उसको षड्यंत्र के तहत उसको मर्डर किया गया है, इसका मौत एक्सीडेंट से नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से मर्डर किया गया है, इसका हम लोग टाटी सिलवे थाना में सदर थाना के माध्यम से FIR दर्ज किए हैं, और इसके माँ गीता देवी के माध्यम से बयान दर्ज किया गया है, और बयान में स्पष्ट रूप से हम लोग लिखे हुए हैं कि अंगद नायक जो एक उभरता हुआ राज्य का चेहरा था, जो इस झारखंड के आवाज़ को बुलंद करता था और राजधानी रांची के हर आंदोलन को सफल बनाने में अहम योगदान देता था, जिससे कुछ माफिया या जो भी है यह जांच का विषय है, SIT टीम गठित किया जाए और यह
एक सुनियोजित तरीके से मर्डर है। और आज हम लोग पूरे परिवार के साथ हम लोग सड़क पर हैं। इनका 21 वर्षीय पत्नी दीपा देवी है, 9 हिंद इसका इसका बेटा है, 5 भाई बहन है, माँ है, यार सभी परिवार से एकलौता कमाने वाला अंगद नायक एकमात्र परिवार का सदस्य था। तो आज हम लोग मांग करते हैं सड़क पे उतर के कि जो आज के तिथि में 9 फरवरी 2024 को सदर थाना में थाना के माध्यम से टाटी सिलवे थाना के नाम से जो FIR दर्ज किया हुआ है उसका अभी तक रजिस्टर्ड नहीं किया गया है, सर्वप्रथम इसका रजिस्टर्ड किया जाए। अभी FIR दर्ज हम लोग सुबह में किया तो अभी तक क्यों इसका FIR नंबर हम लोग को नहीं मिला है, सर्वप्रथम इसका FIR दर्ज किया जाए। कहीं ना कहीं FIR नंबर मिलने में देरी हो रहा है तो ये कहीं ना कहीं साजिश और षड्यंत्र आ रहा है। दूसरा हमारा मांग है कि अंगद नायक चूँकि एक सक्रिय आंदोलनकारी रहा है और उसका मौत कोई एक्सीडेंट से नहीं बल्कि सुनियोजित तरीके से मर्डर किया गया है तो इसका जाँच उच्च स्तरीय एक स्पेशल SIT टीम का गठन किया जाए और जो भी अपराधी हैं उसको चिन्हित करके पकड़ के उसको उचित कानूनी कार्रवाई किया जाए, उसको कड़ी से कड़ी सजा दिया जाए। साथ ही साथ अंगद का उम्र मात्र 24 साल था, उनका 5 भाई बहन है, उनके घर में एक परिवार है, माँ है, एक बेटा है, तो तत्काल इन आश्रित परिवार को 50 लाख रुपया का मुआवजा दिया जाए। और साथ ही साथ अंगद नायक के पत्नी दीपा देवी को एक सरकारी नौकरी दिया जाए। साथ ही साथ अंगद नायक का बेटा नवहिंद नायक जो 6 वर्ष का है, एक मासूम सा लड़का है, इसका एक गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए बेहतर शिक्षा के लिए एक अच्छा से अच्छा स्कूल में इसका संपूर्ण जीवन का पढ़ाई लिखाई कराया जाए सरकार के माध्यम से। साथ ही साथ अंगद नायक के पत्नी को एक अस्थाई सरकारी नौकरी दिया जाए। और इनका मकान जो है कि कच्चा मकान है, इनका कोई मकान भी नहीं है, इसीलिए एक सरकारी आवास भी दिया जाए। साथ ही साथ जो भी बाकी सरकारी लाभ का बात है वो दिया जाए और तत्काल अभी दाह संस्कार के लिए जो तत्काल राशि दिया जाना चाहिए वो भी अभी नहीं दिया गया है और अभी तक कोई प्रशासन वार्ता के लिए नहीं आए हैं। हम मांग करते हैं कि राजधानी रांची के बीचों बीच इतना बड़ा मातम छाया हुआ है, सड़क पे सारे परिजन हैं, अभी तक सिटी SP चाहे तो कोई भी अधिकारी पदाधिकारी आए हुए नहीं है, तत्काल दाह संस्कार वाला प्रोत्साहन राशि भी दिया जाए। देखिए इसका हाँ इसका हम इसलिए कह सकते हैं कि इनके साथ साथी एक शिवराज सिंह था, उनके अनुसार कहा गया कि चतरा टाटी सिलवे बस्ती में एक सुमित कुमार महतो जी के घर गए हुए थे, उनका जन्मदिन था और वहाँ से वो लोग एक लाइव भी चलाए हैं लगभग 8:30 बजे के आसपास। उसके बाद खाना पीना करके तकरीबन लगभग 10:30 बजे निकले। उन लोग इतना अच्छा लड़का है कि कभी किसी प्रकार का धूम्रपान नशा वगैरह कुछ नहीं है ज़िंदगी भर। उन लोग बहुत ही धीरे धीरे अपना बाया साइड में रोड के किनारे चलते हुए आ रहा था। हौसों आवासों में उनके साथ रहने वाले शिवराज सिंह ने कहा कि कुछ गाड़ी बार बार आगे पीछे कर रहा था और एक महिलों द्वारिका हॉस्पिटल और HP पेट्रोल पंप के बीच में जो है कि बहुत किनारे हुआ, बचने का कोशिश भी किया, उसके बावजूद भी जो है कि इसको धक्का मार दिया गया और धक्का मारने के परिणाम स्वरूप जो है कि उनका गंभीर रूप से घायल हो जाते हैं। तो इससे पता चलता है कि चूंकि आंदोलन में सक्रिय रहते हैं, ये हमेशा भाषा का आंदोलन हो, खतियान का आंदोलन हो, नियोजन नीति का आंदोलन हो, 60-40 नए चलतों का आंदोलन हो या स्थानीय नीति का आंदोलन हो, सब में सक्रिय रूप से भाग लेते हैं। और सबसे बड़ी बात अभी JSSC CGL महाघोटाला का जो आंदोलन चल रहा है 29 तारीख से 31 तारीख के बीच जो आंदोलन हुआ पूरा अहम भूमिका इनका रहा। 29 तारीख का पुतला भी इन्होंने खुद बनाया था, मुख्यमंत्री का और चेयरमैन का जब रांची राजधानी अल्बर्टे का चौक में बनाया गया था इनका पुतला, इनके सब व्यवस्था इन्होंने किया था, पुआल से लेकर पुतला बनाने का सारे सामग्री का व्यवस्था किया था। और दूसरी बात जो कि हम लोग का आंदोलन से एक सफल हुआ जिससे बाहरी शिक्षा माफियाओं का एक बहुत बड़ा झटका लगा और उसके बाद से बौखलाए गए हैं और 31 तारीख को टारगेटेड लोग जो
हमारे इर्द गिर्द रहते हैं जब कैसे इसको उनको एक तरफा FIR किया गया। दूसरी बात, 1 तारीख को हमको जान से मारने का धमकी भी दिया गया। और तीसरा घटना, हमारे साथ रहने वाला एक हमारा जो बहुत बड़ा एक आंदोलनकारी जो हमें आज अपूर्ण क्षति हुआ है तो करीब हम भरपाई नहीं कर सकते हैं, इनको ये क्षति कर दिया गया। तो इससे लगता है कि कहीं ना कहीं एक सुनियोजित तरीके से इसका साजिश है। आज हम आपके चैनल के माध्यम से उसको विनम्र श्रद्धांजलि देते हैं और साथ ही साथ उनको शहीद का दर्जा मिले, उनके नाम से स्टेचू लगाया जाए और सारे मांग को पूरा किया जाए और उनका